सभी अध्यात्म जिज्ञासुओं का मैं स्वागत करता हूं। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का विषय सदा ही कंफ्यूजन से भरा है, जैसे हमने कहे मिस्ट्री कह लो, कंफ्यूजन कह लो, एक ब्लैक बॉक्स है। हर व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी का अपना ही दृष्टिकोण है, अपना व्यू है, और इसी तरह से हर धर्म का, हर पंथ का भी अलग अलग व्यू होता है। वैसे तो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को रिलीजन और धर्म से ही जोड़ा गया है, लेकिन मेरे विचार से स्पिरिचुअलिटी और धर्म अलग अलग होने चाहिए। बाकी हम अभी सुनेंगे हर ज्ञानी का अपना अपना क्या इस बारे में उनका व्यू है। अकेल भाग्य जी, नाम शरीर का है, नाम तो भी ढूंढ रहे हैं जो कि है ही नहीं। तो इन्होंने रजनीश जी ने शरीर का नाम बताया है, आत्मिक नाम की तलाश जारी है। आप ही की तरह मैं भी उस रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा कण हूँ परमात्मा का। समतावाद एक पंथ है, पंथ तो नहीं कहेंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल में, बाद में करूँगा। ये एक डोरी है जो अलग अलग फूलों को पिरोती है एक साथ, उसमें जो भी हमारे धर्म पंथ हैं वो सब इस समता के आधार पर ही है। और समतावाद से मेरा परिचय नया नहीं है, मेरी माता जी खाना बनाते समय जब वैसे कुछ और काम कर रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो इसके श्लोक मंत्र पढ़ते थे, शब्द पढ़ते थे, तो शायद वो उसके रास्ते हमारे खून में आ गए। उनका किताब आपको पता ही कितना होता है, उसके हिसाब से 23-24 साल पहले मैं समतावाद में पहली बार अपने किसी कारण से गया जब जिंदगी का डिलेमा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की किताब सामने से जैसे कोई पढ़ रहा है, खुली कर खोल कर, और उसका जवाब भी मुझे वहां से मिल गया। उसके बाद मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये छोटा सा मेरा परिचय है। 24 साल से मैं इस रास्ते पर मैं कहूँगा प्रयास रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश भाटिए जी। हम यानी जसविंदर सिंह जी से निवेदन करें। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा कोई नाम नहीं था, शायद आपका भी कोई नाम ना रहा हो। शायद वही एक ऐसी अवस्था है जो हम सबको एक कर देती है। समाज ने मेरा नाम जसविंदर सिंह रख दिया, उस नाम से जाना गया। हमारे भाई साहब ने बहुत सुंदर अपना परिचय दिया, मैं उनकी एक एक वाक्य से सहमत हूं, वही परिचय मेरा है। क्वालिफिकेशन में मैं एमकॉम सीएआईबी हूं, 21 साल बैंक में काम किया, फिर 25 साल जो है बिजनेस व्यापार में रहे। पिछले 6.5-7 वर्ष से ईश्वर की कृपा मैं कहूंगा इस रास्ते पर अग्रसर करवा दिया। जब मैं 11th में था, देहरादून का रहने वाला हूं, तो वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अरे समाज वाले जो हैं कंपटीशन करते हैं, शायद आज भी होता होगा, रिटर्न एग्जाम होता है सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर। तो सत्यार्थ प्रकाश को अच्छे से पढ़ा समझा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब मैं उसमें बैठा तो मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, 96.7% मार्क्स लिए। आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पढ़ा था। मैं समझता हूं कि हम सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग अपना परिचय दे रहे हैं, पर जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं तो सब एक ही है उपस्थित। बंधु मानवी शक्ति मंचस्थ विश्वत मंडल, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है अपना अपना परिचय देने की। परिचय तो सबका एक ही होता है, पहला परिचय तो हम उस पर पिता परमात्मा के अमृत पुत्र पुत्रियां मानव जाति हैं। ये सबसे बड़ा परिचय है कि हम एक मानव हैं, और एक अच्छा मानव बन सके यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहना चाहिए।
मैंने जहाँ जन्म लिया, मेरे पूज्य पिताश्री अपने समय के माने हुए संस्कृत स्कॉलर, वेद स्कॉलर्स, योग स्कॉलर्स सब रहे, उनके परिवार में उनके यहाँ मैंने जन्म लिया। इसलिए वो बातें जैसे कहते हैं ना, बचपन वो जो रक्त में मिली हुई हैं वो मेरे उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अपना पूरा जीवन संपूर्ण तरह से अच्छी तरह से व्यतीत करके सारे आश्रमों से होते हुए, जैसा ऋषि ने कहा, अब चौथे आश्रम संन्यास 13 साल पूर्व मैंने सारा घर गृहस्थी छोड़ के संन्यास आश्रम लिया है, और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से देश विदेशों के अंदर वैदिक धर्म का प्रचार करती हूँ। मेरा नाम पहले उज्ज्वला रखा था मेरे पिताश्री ने, फिर संन्यास के बाद हमारे स्वामी जी ने मेरा नाम साध्वी उत्तमायति रखा। यही बहुत बढ़िया। अब मैं निवेदन करूंगा आत्म ज्ञानी प्रमोद अग्रवाल जी से। प्रमोद अग्रवाल जी से मेरा 73 से परिचय रहा है, 46 साल से हम इकट्ठे हैं। तो अब मैं प्रमोद अग्रवाल जी से, सबसे पहले तो जैसे भाटिया जी ने शुरुआत की, बहुत ही अच्छी परिचय की। परिचय तो वास्तव में इस मनोशरीर यंत्र का ही हम दे सकते हैं, जो वास्तव में हम हैं, ना तो उसका कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई भी उसके ट्रेट्स ही नहीं है, कोई भी क्वालिटी ही नहीं है, वो निराकार निरूप निर्गुण हम सब वास्तव में हैं। इस मनोशरीर यंत्र की बात करें तो 73 में DC से इंजीनियरिंग शुरू की, 78 में इंजीनियरिंग की, कैरियर ज्वाइन किया, अच्छा कैरियर तो मिला कंप्यूटर लाइन में। पर बहुत जल्दी ही ये समझ में आने शुरू हो गया है कि ये भौतिक सुख जो है पूरे सुख नहीं दे पाए। हुआ क्या कि बहुत जल्दी काफ़ी इच्छाएं पूरी हो गई, जितने सपने देखे थे लगभग सारे पूरे होते चले गए, पर उसके बाद भी लगा कि इसमें सुख का लाभ नहीं बढ़ रहा है, तो तलाश जारी हुई उस सुख की, ऐसा कोई सुख हो सकता है। तभी अध्यात्म की कहीं इंट्रोडक्शन हुई 25-30 साल पहले, तब से उसके अंदर उस सुख की झलक मिलनी शुरू हुई। सबसे पहले ट्रांसजेंडर मेडिटेशन से स्पिरिचुअलिटी में एंट्री हुई, उसके बाद बहुत तरह के कोर्सेज सामने इस मनोशरीर यंत्र को करने का मौका मिला, पर अंत में एक आत्मज्ञान के विधान की दो हफ्ते की वर्कशॉप के अंदर में उस की पहचान हुई, जिसको हम पूरी जिंदगी भर अपने से बाहर ढूंढते हैं, कहीं ऊपर ढूंढते हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, पर ये समझ में आया और सर समझ में नहीं आया, ये अनुभूति हुई कि जिसको हम ढूंढने चले थे वो मैं खुद ही हूँ, वो खुद क्या हूँ, उस चीज की अनुभूति हो सकती है और हुई। और ये ज्यादा समझ लो एक उस अनुभूति के अंदर ही रहना उसके बाद से आ गया। अब ये आत्मज्ञानी का बोला, कहने में आत्मज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता, आत्मज्ञान हो सकता है पर आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि आत्मज्ञान के बाद आत्मज्ञान का पाने वाला नहीं बचता। जिसने आत्मज्ञान पाया था वो अब रहा ही नहीं, तो उसको अब आत्मज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक ही तत्व बचा जिसको कोई नाम से पुकारा ही नहीं जा सकता, वास्तव में तो सच्चाई यही है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रमोद अग्रवाल जी की एक विशेषता है, जब तक आप इंजीनियर थे तो नंबर 1 टेक्निकली बहुत साउंड, उसके बाद शेयर मार्केट में गए तो शेयर मार्केट में एक्सपर्ट, अब आप स्पिरिचुअलिटी में आए तो स्पिरिचुअलिटी में भी सबसे आगे रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हम सुधीर राज सिंह जी, जो बौद्ध धर्म को अपनाया है और बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालेंगे, अपना परिचय देंगे सुधीर राज सिंह। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। नमस्कार पुराना शब्द है, नमस्कार बात का शब्द है, तो पाली भाषा जो कि थोड़े से शब्दों की है तो उसमें नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार का मतलब है नम्र करता हूँ या नम्र करने का कार्य करता हूँ, नम्र होता हूँ यानी नम्र होता हूँ आपके साथ, इसको बाद में नमस्कार करते हैं, नमस्ते भी बोलते हैं, तीनों का मतलब ही। मैं यहाँ जो आपने बुलाया है, बार बार आप बौद्ध धर्म बोलेंगे, बुद्धिस्ट बोलेंगे, तीनों में से मैं कुछ नहीं,
कोई ऐसा कहता है तो वो अभी धर्म को जानता नहीं है, बुद्ध धर्म को जानता नहीं है या बुद्ध की फिलॉसफी को नहीं जानता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि उसकी पूरी फिलॉसफी का नाम है या जो उसने बताया है उसको बुद्धिज्म बोलेंगे या बुद्ध धर्म बोलेंगे। अपने जीते जी तो उसने सिर्फ एक धम्मिक शब्द का इस्तेमाल किया, धम्मिक मतलब नेचुरल, जो नेचर पर चलता है, धर्मों पर चलता है। पाली भाषा, पाली भाषा में धर्म बोलते हैं, बाद में आधा मैं हट गया तो रह लग गया, पुरानी भाषा में आधा नहीं रहेगा, बाकी भाषाओं में आधा सब बदलता है। तो धर्म है, आप धर्म कैसे कह सकते हैं, बुद्ध ने दिया है या बुद्ध ने बताया है, मगर नेचर से लेके बताया है उसने, अपना नाम तो कहीं दिया नहीं। हमारे परिवार में छूट होती है, हमारा परिवार किसी भी पंथ को या किसी भी चीज को या किसी भी ऐसे ज्ञान को बच्चों पे लादता नहीं है। हम पैदाइश की किसी भी चीज में नहीं होते, यानी जब हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसको सिर्फ एजुकेशन और हम उसे कहते हैं कि जब तुम 30-35-40 के हो जाओ इस लायक, क्योंकि 30-35-40 तो उसे होश नहीं रहता कि उसे करना क्या है, कुछ कैरियर है, कुछ खाना पीना, शादी ब्याह, बच्चे। 40 के बाद जब हड्डियाँ वड्डियाँ थोड़ी सी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा चेहरे का पानी वानी कम होना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर जरूरत पड़ती है कहीं कोई शांति वांति मिले, तो हमारे यहाँ चूज कर सकता है, चॉइस कर सकता है कि वो सबको देखे, पूरे जीवन में देखे और जो उसे अच्छा लगता है वो फिलॉसफी को अडॉप्ट करे, और कभी भी बदल सकता है, कभी भी जा सकता है, और वो हमेशा सीकर्स रहता है, यानी खोल की ढूंढता रहता है कि और अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले जो उसे बता सके और जिसको वो अनुभव कर सके। मेरे फादर ने भी मेरे को छूट दी और उन्होंने सभी चीज़ों को देखने का, मैं आज भी देखता रहता हूँ कौन सा मुझे अच्छा मिलेगा, कौन सा जो मुझे बेस्ट मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे दूसरे का जम जाना, मगर वो मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, मेरे देश के लिए अच्छा होना चाहिए, मेरे विश्व के लिए अच्छा होना चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से कुछ पार्ट भी अच्छा है तो भी मैं डाउट कर लेता हूँ, सारा अच्छा है तो बेहतर है, और अगर कोई खराब पार्ट है तो उसे छोड़ देता। मेरा नाम सुधीर दास है, रोजी रोटी के लिए मैं इंजीनियर हूँ, बाकी कॉमन आदमी हूँ और धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानता हूँ, अनुभव भी किया हुआ। अशोक भाई ने, क्योंकि हमारी बात होती रहती है, अशोक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने धर्म के लिए मेरा नाम प्रपोज किया, मैं उनका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत सुधीर दास जी, अब चैतन्य जी सनातन धर्म का दृष्टिकोण रखेंगे, चैतन्य जी अपना परिचय। सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं एयरफोर्स में था और रिटायर्ड एज विंग कमांडर, 1990 में मैंने एयरफोर्स छोड़ दी थी और 1981 से मैंने बुक पढ़ी थी, कमेंट्री ऑन गीता बाय स्वामी चित्भवानंदा, 1000 पेजेस की बुक थी। उस बुक ने मेरे को बहुत प्रभावित किया, तो मैं तब से थ्रू प्रेयर, मेडिटेशन एंड एट प्रेजेंट बीइंग ऑल द टाइम इन द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, ईश्वर के साथ 24 घंटे मैं जुड़ा रहता हूँ। उसकी पावर, उसकी विजडम, उसकी शक्ति जो भी है, ये आप में से बहेगी, उसके थ्रू इट इज जस्ट लाइक कि आप एक बिजली का प्लग जो है कनेक्ट कर देते हो तो बिजली आप जो है बल्ब को जला देती है। इसी प्रकार जब आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो तो उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी आप में फ्लो होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर आपको गाइड करता है आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जान के मैं तब से 40 साल से जुड़ा हुआ हूं ईश्वर के साथ। इन बिटवीन इफ यू आस्क मी फ्रेंकली, मैं ज्यादा नहीं करता कुछ भी चीजें, जैसे मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना या किसी और धर्म स्थान पे जाना या प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाना, मुझे ऐसे लगता है वो चीजें स्टार्ट में होती हैं, शुरू में आप जाते हो आपका ध्यान उधर लगे, लेकिन बाद में जब आप ये महसूस कर लेते हो कि वो तो आपके अंदर ही बैठा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसके साथ जुड़े रहते हो। आप घर में भी देखोगे कि जब आप घर में ईश्वर के साथ जुड़े रहते हो तो कोई आप बात कहने लगते हो अपनी बीवी को या हस्बैंड को, तो आपको अंदर से आवाज आएगी वो ये चीज नहीं लाइक करेगा, तो आपने ये नहीं बोलना।
तो आपके घर का एटमॉस्फेयर भी सारा अच्छा हो जाता है, आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं। यू सी, दो तरह की रिस्पेक्ट होती है, एक तो होती है कि वर्ल्डली रिस्पेक्ट, हम कहते हैं कि भाई ये बंदा स्टेटस की वजह से इसकी रिस्पेक्ट देते हैं, एज की वजह से हम रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी रिस्पेक्ट होती है कि ये बंदा ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंसान जो है ये कभी धोखा नहीं किसी को देता और वो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ईश्वर की ग्रेस लेने के लिए आप ईश्वर के साथ जुड़े रहोगे। ईश्वर लव्स दोस पीपल जो कि उसकी क्रिएशन को जो लुक आफ्टर करते हैं, ईश्वर भी उनको लुक आफ्टर करता है ऐसे लोगों को। तो ये सारी चीजें, मेरा लाइफ का यही पर्पस है कि जो मेरे को ज्ञान है, मैंने 50-60 बुक्स तकरीबन पढ़ी हुई है, दो बुक्स मैंने खुद की लिखी हुई है, एक बुक मैं लेके आया हूँ अभी, फ्यू कॉपीज आई हैव गॉट इट, दोनों बुक्स इंग्लिश में है, एवरीवन इज गिफ्टेड फ्यू डिस्कवर इट, एक ये पहली किताब थी, दूसरी है ब्लिसफुल लिविंग। ये बुक्स मार्केट में नहीं है, मैं अपनी ओन छपवानी है, तो मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जहाँ मैं लिखता हूँ कि मेरी ये लोग क्या बात है। तो इस प्रकार से मैं ईश्वर के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं ये फील करता हूँ जो ज्ञान मेरे को है वो मैं लोगों में बांटूं। अब जब ज्ञान बांटते हो तो आपको हो सकता है आपने 10 चीजें बताई हो, उसमें से किसी को एक चीज ही अच्छी लगती है या दो चीजें अच्छी लग गई, उसने अपने जीवन में उतार ली, तो मैं सोचता हूँ मेरा पर्पस सर्व हो गया। जब मैं ये चीजें बांटता हूँ, बुक्स बांटता हूँ, मुझे पता है अगर मैंने 100 बुक्स बांटी है तो हो सकता है लोगों को इंटरेस्ट भी होता है इन चीजों में, हो सकता है 20-30 उसमें से लोग पढ़े, और हो सकता है 20-30 जो पढ़ेंगे, हो सकता है उसमें से 10 लोग जो है उस चीज को अपने जीवन के अंदर लाए और उनका जीवन जो है चेंज हो जाए। तो ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है एट दिस टाइम। और मैं आपको ये आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना भी देखो, हम सब लोग सुनने जाते हैं, लेडीज भी जेंट्स भी सब सुनने जाते हैं, बहुत से लेक्चर हम सुनते रहते हैं, लेकिन उस लेक्चर को जो आपने ग्रहण किया, जिस चीज के ऊपर आप कन्विंस होते हो, उसको आप अपने जीवन के अंदर कितना उसको लाते हो, उतारते हो, उस चीज से ही आपको फायदा होगा। बहुत सुंदर, सिर्फ सुनने से ये चीजें